जी का तो नाम लेते हैं लेकिन बसपा के नाम से पीछे भागते हैं, उठाकर बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसे नाम कई अनिल तंवर जी ने गिनाए थे अभी और साथियों ने गिनाए, अभी हमारे प्रभारी जी भी बोल रहे थे, उन्होंने भी नाम गिनाए। मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर हमने उनका नाम लिया अब गंदे लोगों का नाम लेने से फायदा क्या? अगर हमने गंदे लोगों का नाम लिया तो खामखा हमारी जुबानी बुरा बन जाएगी, इसलिए हम उन गंदे लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करते। उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंता की लकीरें हमें जो है इस बीजेपी सरकार के इन गद्दार नमक हराम और खुलेआम कहता हूं देशद्रोही, इनके माथे पर चिंता की लकीरें हमने खींचनी है और वो खींचेगी तो सिर्फ और सिर्फ वोट की ताकत से खींचेगी। वोट की ताकत को हमें अपनाना होगा और वोट की ताकत से ही हमें इनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और सोशल मीडिया का साथियों ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, इतना इस्तेमाल इनको इनको सोचने का मौका मत दो। आज आपके भाई पे इतने केस लगे हुए और केस लग जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोदी के खिलाफ तो बोलता ही रहूंगा और मनुवादी के खिलाफ भी धाड़ता ही रहूंगा। अभी भी आज 3-4 तारीख थी कोर्ट में, मैं आपके बीच में समय से नहीं आ पाया और अभी लास्ट में साइबर क्राइम सेल गुड़गांव से ही आ रहा हूं, वहां पे केस में और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी साहब ने बोला है कि भाई सतपाल तंवर जी इसमें तो मुकदमा दर्ज होएगा, मैंने कहा सर इच्छा है करना चाहो तो कर लो, जब आ जाओगे जब कहोगे पेश हो जाऊंगा, अंदर भेज देना, जल्दी एक ना एक दिन बाहर आएंगे फिर मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे। तो ये बड़ी सोचने की एक छोटे छोटे एक ऐसे इशू है, अगर इनको ध्यान से सोचे कि देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जैसा माहौल जो है हम सबके अगेंस्ट है, हम सबके खिलाफ है। और कुछ लोबी ऐसी भी तैयार होगी, अगर हम क्रांति की बात करेंगे तो कुछ लोबी ऐसी भी तैयार होगी कि जो ये कहेंगे भाई नहीं यार ये तो जो है ना बाबा साहब ने अपनी कलम की ताकत मनवाई थी, कलम की ताकत से हमें लड़ना है, तलवार की ताकत से क्या फायदा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं आपके सामने, कलम की जगह कलम मार करती है और तलवार की जगह तलवार मार करती है। मैं आपको ये बात कहता हूं, वो कैसे? अब गांधीवादी कौन होते हैं वो आपको ही पता है। अब गांधी जी ने एक बड़ी प्यारी सी सौम्य सी बात कही थी कि कोई इस गाल पे थप्पड़ मार देना तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। अब मैं कहूंगा जो इस तरह की बात करते हैं कि बाबा साहब ने कलम की ताकत की बात की थी तलवार की नहीं की थी, तो उनको मैं प्रॉपरली गांधीवादी कहूंगा। क्योंकि अगर कोई हमारे घर में घुस के कोई हमें मारे, कोई रस्ते में पकड़ के हमें पीट दे, कोई हमारे ऊपर वार करे, कोई हमें माँ बहन की गाली दे, कोई बाबा साहब के चेहरे पर कालिक पोते, कोई बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़े, कोई हमारे ऊपर वार करे, तो क्या हम कहेंगे ले भाई और तोड़ दे बाबा साहब की फोटो और दे रहा हूं मैं, ले भाई और जो है बाबा साहब की प्रतिमा पे कालिक पोत दे, ले भाई मैंने तो चेहरा आगे कर दिया दूसरा थप्पड़ और मार दे, ले भाई मैं तो पिटने के लिए बैठा हूं, सदियों से हमारा देश पिट रहा, हमारा बहुजन समाज पिट रहा है, कब होगी ये क्रांति? उठानी पड़ेगी तलवार भी, या काम करती है तलवार, या तलवार काम करती है, जहां कलम काम नहीं करती वहां तलवार काम करती है। वरना सीआरपीएफ पढ़ी है देख लो, वरना बीएसएफ पढ़ी है देख लो, वरना पुलिस पढ़ी है देख लो, वरना फौज पढ़ी है देख लो, सबके पास में हथियार क्यों है, किस लिए? सबको पता है जब प्यार की भाषा नहीं मानते ना वो डंडे की और हथियार की भाषा मानते हैं, इसलिए करना पड़ेगा ये भी काम, बहुत जरूरी है साथियों। बस अपने आप को सेफ रखते हो, जो हमारे ऊपर वार करे, आज तक तो यही होता रहा है अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन, दलित को मारा, दलित को घोड़ी पे चढ़ने से रोका, दलित को ये कर दिया, दलित को वो कर दिया, बाढ़ में गया दलित, देश के शासक हैं हम, मूल निवासी हैं हम देश के, और दलित तुम हो, स्वर्ण बनते हैं, बार बार कहता हूं मैं, सोना चढ़ा है इनके ऊपर, मां के पेट से सोना चढ़वा के पैदा हुए हैं ये, और हम नीच जात के लोग ये बोलते हैं ना हमें, हमें दुर्बल बोलते हैं और खुद को स्वर्ण बोलते हैं, इनके बाप है हम, स्वर्ण है हम, हमें स्वर्ण उखाड़ना है जो उखाड़ ले, कितना कितना ये लोग आतंक मचाएंगे। ये मीडिया को देखो, स्वर्ण समाज के लोगों ने दलित को पीटा, आज हमें डरता, जो डरता है ना वही पिटता है, जो डरता है वही पिटता है, जिसने आवाज उठानी सीख ली वो कभी पिटने वाला नहीं है, वो कभी पिटने वाला नहीं है। आपके पास में कोई एक बार आपके पास में आकर के आपको धमकी देना, आप दब गए ना वो आपको 20 बार धमकाएगा, आप एक बार पिट गए ना वो आपको 20वीं बार पिटेगा, अगर एफआईआर दर्ज करवा दिया आपने, आपने फैसला कर लिया ना, फिर वो आपको 1000 बार पिटेगा। वही एससी एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
क्योंकि हमारे समाज के लोग जो है फैसला कर लेते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि झूठे केस है क्योंकि तहसीलदार से बनवा के एफिडेविट दे दिया जाता है कि गलती से केस दर्ज हो गया था। तो गलती हमारे समाज की भी है, समझौता कर लेते हैं भाई। गांव राम होता है, गांवों में ज्यादा होती है ये, जो पंचायती लोग हैं ठेकेदार बने हुए हैं वे करते हैं भाई गांव राम होता है, फैसला कर लो। तो पिटेंगे नहीं तो कहां जाएंगे, पिटेंगे और फिर उसके बाद में फिर करना क्या होगा, फिर उन्हीं की थाली में जाकर उन्हीं की चिलम भरने लग जाएंगे। किस लिए? ये समाज के वे लोग इस बात को सुनेंगे साथियों, आप भी बताएंगे जो उनकी गुलामी करते हैं। बार बार मरने से अच्छा है एक बार मर जाए, मार दें या मर जाए। जिंदगी जो है सम्मान की है, बिना सम्मान के कोई जिंदगी नहीं है। जलालत की जिंदगी जीने से अच्छा है शहीद की मौत मर जाना। और वही चीज अपने दिल में हमने सोच रखी है। अनेकों अटैक हो चुके हैं, दुनिया भर के अटैक हो चुके हैं, लेकिन हम तो पीछे कभी हटे नहीं। सारा चेहरा खराब हो गया, यहां निशान पड़ा हुआ है, सपना चौधरी के मामले में हमला हुआ था, अब यहां निशान पड़ गया, ये जो है फिलहाल में 28 अक्टूबर को हमला हुआ था, अब पता नहीं और कितने निशान डालेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये निशान पड़ते रहेंगे, चाहे वो चाकू का पड़े चाहे वो गोली लग जाए, भाई मारना तो इतना आसान नहीं है, ये बात तो मुझे भी पता है, क्योंकि अंबेडकर माओवादियों को मारना इतना आसान नहीं है। अब जो है कितने ही निशान पड़ते जाए, लेकिन मुझे पता है मनुवाद की छाती पर ही निशान पड़ेंगे। ये जितना हो सके हम मनुवाद की छाती के ऊपर, जो दाल गलने का काम कर रहे हैं ना, वो मनुवाद की छाती पर दाल गली नहीं जा रही, वो 56 इंची छाती पर दाल गली जा रही है। ये चीज सोचो आप। तो इसलिए हमें इस क्रांति को अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा। और ये क्रांति जो है 21वीं सदी की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्रांति है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्रांति को हम सभी मिलजुल करके कामयाब बना सकते हैं। और ये क्रांति ऐसी क्रांति है कि जिसमें आप आने वाले समय में हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे बच्चे हमारे बच्चों के बच्चे वो लोग इस चीज को देखेंगे आने वाले समय में कि हाँ, जो आप सभी ने मिल करके हमने सबने जो मेहनत की, और जो 21वीं सदी की भीम क्रांति हम कहते हैं, वो ये नहीं है कि हम सिर्फ कागजों में है या फिर बातों में, वो सफल होगी और मनुवाद पूरी तरीके से भस्म हो जाएगा। मनुवाद का लोग मैं ही भूल जाएंगे कि मनुवाद होता क्या था। अब जयपुर में एक मनुवादी की प्रतिमा, वो मनुस्मृति लिखने वाले की जो है ना, जो इनको अपना ये संत बताते हैं, परम पूजनीय बताते हैं मनु, उसकी कोर्ट में प्रतिमा लगी हुई है। हालात बीजेपी की सरकार में देख लो आप, उसकी सुरक्षा बकायदा गनमैन लोग लेकर के करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे में आपके सामने हालात है, बीजेपी की सरकार में मनु की प्रतिमा की सुरक्षा की जा रही है। अरे मनुस्मृति लिखने वाला जो ये बताने वाला भाई ब्रह्मा के मुंह से ये पैदा हुआ, ब्रह्मा के कंधों से ये पैदा हुआ, वो अपनी रक्षा खुद ही नहीं कर सकता, पुलिस वाले लगे हुए हैं, वो किसके बारे में बताएगा। बीजेपी के लीडर बोलते हैं कि पहले वाईफाई भी था उस समय में, गुजरे जमाने में भाई वाईफाई भी तो फेंकने की, तो कोई मैं बताऊं पीएचडी किए हुए हैं ये लोग, नरेंद्र मोदी को भी माफ करते हैं भाई, वाईफाई भी था भाई, वाईफाई कहां से आ गया, मुझे तो लगता है जो इनके पीछे चोटियां होती है ना वही वाईफाई था, यही इनका एंटीना था। और फिर कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी भी थी। अब भाई मैं किसी जाति धर्म का विरोधी तो हूं नहीं, ये बात मैं क्लियर बोल देता हूं भाई, हर धर्म का सम्मान है, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक तार्किक बात तो पूछ ही लेनी बनती है कि कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी भी थी। अब फिर मैंने विचार किया है, दिमाग लगाया, प्लास्टिक सर्जरी थी तो कोई ना कोई तो होगा जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, अब हमारे गणेश भगवान जी थे। अब ये चीज धर्म के बारे में ना ले जाए तो ये लोग अपनी बात अपनी, एक्चुअल में क्या है कि अब सबको पता लगने वाला है, सच्चाई ये कि सबको पता लगने वाला है कि पाखंडवाद क्या होता है, अंबेडकरवाद क्या होता है, मनुवाद क्या होता है, सबको पता चल चुका है। यानी कि एक विशेष बिरादरी, सारी बिरादरियों में, सभी में जो कहते हैं ना कि हर समाज के अंदर पता लग गया है कि पाखंड फैलाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, तो उसमें उस पाखंड को ये बचाए रखने के लिए, अपने जो इन्होंने जो आडंबर बनाया हुआ ना, उस आडंबर को बचाए रखने के लिए ये तरह तरह की टेक्नोलॉजी हमारे सामने ला रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी आज अंबेडकरवादी युग के अंदर है, जो वैज्ञानिक युग में है, जो एक तार्किक युग में है, वो टेक्नोलॉजी के साथ में जो है ये अपनी पाखंडी जो संस्कृति है ना उसको जोड़ते जा रहे हैं।
कि प्लास्टिक सर्जरी भी थी, ये भी था, वो भी था। अबे आविष्कार तो हमने किए यार, हैं तुम तो सीधा, मैं तो इनकी बातों के ऊपर आऊं तो बहुत बड़े बड़े गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे, काम का कल ने फिर दूसरा केस हो जाएगा, इसलिए ठीक नहीं है। तो इस इनके आप अच्छे से जानते हो, बस मैं अपने समाज को एक ही बात कहना चाहता हूं, आप सभी के बीच में आने का मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मौका मिला और आगे भी आते रहेंगे। तो हमारे बुद्धिजीवी साथी जो बात कहते हैं, हमारी जो बाबा साहब की किताबें जो बातें कहती हैं, जो क्रांतिकारी साथी क्रांति कर रहे हैं देश में, काफी सारे साथी लगे हुए हैं, और जो पूरी क्रांति को, भीम क्रांति को आगे लेके जा रहे हैं, साथियों उनका साथ दो। और पूरे तरीके से आने वाले समय में ये नहीं है कि हम सिर्फ मंच पे बोल दिए, ये नहीं है कि भाई हम लोग सिर्फ अपने घर पे जाके सो गए, कई कई रात तो सोए बिना सोए हुए हो जाती हैं, और आजकल तो वैसे ही बिना सोए ही रातें गुजर रही हैं, क्योंकि अब जल्दी जल्दी इलेक्शन भी नजदीक आएगा, और ऐसे में फिर जो है हमारी जो है रातें रातों की नींद भी उड़ी रहेगी। जितना ज्यादा हो सके आने वाले समय में सरकार अपनी बनानी है, ये हमें हर व्यक्ति को समझाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को बताना पड़ेगा। बहन कुमारी मायावती जी के बारे में चंद शब्द कहना चाहूंगा, इसके बाद में विदा चाहूंगा, कि पूरे देश के अंदर मैं हर कौम से पूछता हूं, हर धर्म से पूछता हूं, इस देश की जनता से पूछता हूं, कि किसी भी पार्टी के अंदर आप उठा करके देख लो कितनी महिला नेता हैं और कितनी महिला नेता कामयाब हैं। अगर उंगलियों पे गिनाऊं तो सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी की भी आती है, उसके अंदर कितनी महिला नेता है और कितनी समाज में इन्वॉल्व रहती है और कितनी सामाजिक मुद्दों को उठाती है, कितना आगे आती है, कितना दबे कुचले बहुजन समाज या फिर मुस्लिम जैन सिख ईसाई वर्ग, कोई भी वर्ग, या फिर सामान्य जाति का गरीब आदमी, किसकी आवाज उठाती है? किसी की नहीं। ऐसे ही आप देख लो उठा करके बीजेपी में, अरे बीजेपी में तो चोर भरे पड़े हुए हैं। आज बड़े मुद्दों के ऊपर भी बातचीत चल रही थी, अब अन्ना हजारे का आंदोलन होता है, हमारी देश की विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज जी, अन्ना हजारे के आंदोलन में सिर के ऊपर सिलेंडर रख के कितना बेहुदगी से डांस किया जाता है, क्या किसी महिला नेता को यह शोभा देता है? एक बड़ा सवाल पूछता हूं मैं, बड़े सम्मान के साथ पूछता हूं मैं, क्या शोभा देता है वो? फिर हमारी नेता कैसे हो सकती है? स्मृति ईरानी के बारे में आप जानते ही हैं, मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, कौन कह सकता है उसको नेता? इसके अलावा बीजेपी में बताओ पुरुष राज चल रहा है, सारी स्त्री विरोधी मानसिकता पूरी बीजेपी के अंदर, और कांग्रेस तो है ही एक परिवार की, इसके अलावा और पार्टियों को उठा करके देख ले, लेफ्ट को उठा ले, इसको उठा ले, उसको उठा ले, नहीं कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के ऊपर शासन किया, जवाब दे दे पूरा देश कि आज तक इन सालों में कोई दंगा हुआ? बीजेपी का राज आते ही दंगे होने शुरू हो जाते हैं, बहन जी के राज में एक दंगा नहीं हुआ, कैसा होता है? वो है हमारी बहन जी, बहन जी के राज में जो आज मंत्री बने बैठे हैं ना, इनकी सत्ता, इनकी सरकार आने के बाद में वो जेलों में जाकर के बैठे थे, उनको जेल में ठोक दिया था और साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में तुम्हारी गुंडागर्दी जितनी होगी ना उतनी हो गई, या तो यूपी छोड़ के भाग जाओ ना फिर जेल जाने की तैयारी कर लो। वो है हमारी बहन जी, महिलाओं का, पूरे देश की महिलाओं का सम्मान है हमारी बहन जी, आम नागरिक का सम्मान है हमारी बहन जी, और गुंडों के लिए तलवार है हमारी बहन जी। अपने आप को बड़ा गुंडा कहते थे, मंत्री बने बैठे हुए, नाम नहीं लूंगा, जेल में उठा के फेंक दिया था बिल्कुल, गठबंधन है सर। तो आप समझ सकते हैं वो हमारी बहन जी हैं, पूरे देश के अंदर एक सशक्त शक्तिशाली आयरन लेडी, जिंदा देवी, गरीबों की मसीहा, महिलाओं की मसीहा, युवाओं की मसीहा, बुजुर्गों की मसीहा, इस पूरे देश की मसीहा, एक वर्ग की नहीं, सर्व समाज की, पूरे भारत की अगर कोई आयरन लेडी है
और वास्तविक प्रधानमंत्री पद की दावेदार है तो वो है बहन कुमारी मायावती, वरना सारे ये ऐरे गहरे नथु गहरे हैं, झोड़ा उठा के आते हैं, साइकिल पर आते हैं झोड़ा उठा के, उसके बाद में झोड़े से बढ़ाते हैं तिजोरियां और फिर विमानों में भर के ले जाते हैं और भरवा देते हैं। विजय माल्या को भगाया किसने? विजय माल्या को नरेंद्र मोदी जी ने भगाया है, पक्की बात है, बिल्कुल सबूत इसके सामने, कैमरे की फुटेज भी नहीं निकाली इन्होंने तो। एयरपोर्ट से तो जाएगा, उसके ऊपर कोई पंख थोड़ी ना लगे हुए हैं विजय माल्या के ऊपर, ना उसके पीछे पूंछ है कि वो उड़ के चला जाएगा। बड़ी सोचने वाली बात है, जाएगा तो एयरपोर्ट से ही। क्या नहीं पता था मोदी जी को? क्या इंटेलिजेंस को नहीं पता था? ये पकड़ लेते हैं भाई, एयरपोर्ट से सोना पकड़ा गया, एयरपोर्ट से तस्करी पकड़ी गई, एयरपोर्ट से ये पकड़ा गया, कोई बिना वीजा के आ गया, कैसे भी आ गया, छिपछिपा के आ गया, ये बांग्लादेशियों को पकड़ लेते हैं, बांग्लादेशी रह रहे गरीब लोगों को पकड़ लेते हैं। विजय माल्या को तो पुलिस सुरक्षा में भगाया मोदी जी ने, कितना जवाब देंगे, कितना जवाब मांगे इनसे? पूछता मैं तभी तो कहता हूं, बोल मोदी बोल, जवाब दे विजय माल्या को किसने भगाया। इस तरह से ना जाने कितने लोगों को इन्होंने उठा के लंदन में बैठा दिया, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ये मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो। अब एक बड़ी बात सोचने की ये भी आती है, मोदी ही चोर क्यों है? अब मेरे ऊपर तो ये केस कर देंगे, राहुल गांधी रोज बोलता है मोदी जी चोर है, मोदी जी चोर है, मोदी जी चोर है। अब मैं कह दूं हाँ जी सच में ही मोदी जी चोर है, और ये कह दूं दोनों ही चोर है, तो दोनों ही फिर ये हो जाएंगे भाई, हाँ वो भी पीछे लग जाएगा, ये भी पीछे लग जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं साथियों, ये सारे के सारे चोर है, ये कोई दूध के दूल्हे नहीं है। अगर है तो पूरे देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी है जो सरकार चला सकते, इनके बस की बात नहीं सरकार चला। और मैं तो बहन जी से भी कहना चाहूंगा, जो नोट के ऊपर इन्होंने एक ठप्पा लगाया हुआ है ना, एक गंजे को बैठाया हुआ है, बहन जी सबसे पहले इसको निकाले, सुबह सुबह देखते जो ना, पर्स में रखने का भी मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, पैसों के बिना काम नहीं चलता। इनको ऐसे ही धोना चाहिए, क्योंकि इनको बड़े तार्किक तरीके से धोना पड़ेगा, बड़े हिसाब से इनको धोना पड़ेगा। तो इनको बड़े हिसाब से बड़े तरीके से धोना पड़ेगा। क्रांति की भाषा भी इनके समझ में आ रही है लगातार, ये परेशान है, दुखी है ये। इनको डर लगता है, पता है किससे डर लगता है इनको? इनको डर लगता है तो नीले से डर लगता है, आसमान भी नीला बच के कहां जाएंगे? झंडे हमारे नीले, हमारी पार्टी का रंग नीला, हमारा सब कुछ नीला, और पूरा देश भी कर देंगे एक दिन हम नीला नीला, ये भी नहीं छोड़ देंगे। तिरंगे का सम्मान करते हैं हम, ऐसी बात नहीं, हम किसी के इनके रंग का विरोध करें हम नहीं करते, इनका रंग का विरोध कोई बात नहीं, लेकिन इनका रंग जो है वो दंगे फैलाता है, इनका रंग जो है वो समाज में वैमनस्य फैलाता है, इनका रंग जो है समाज में विघटन पैदा करता है, इनका रंग जो है वो पूरे देश में आतंक की परिभाषा समझता है, आतंक की परिभाषा जानता है। नीला रंग इतना खुशी का, इतना शांति का, इतना भाईचारे का प्रतीक है। हम लोगों की ये नहीं है कि हम लोगों की 56 इंच की तरह है, 56 इंच हमारी है, लेकिन हाँ इतना हमारा सीना बड़ा है, इतना हमारा दिल बड़ा है कि हम हमेशा भाईचारे का संदेश देते हैं, हम हमेशा शांति का संदेश देते हैं। हम ये कहते हैं भाई आप ढंग से रहो, हिसाब से रहो, अत्याचार मत करो, लोगों को मत तड़पाओ, मत धर्म के नाम पर लोगों को मारो। किसी की दाढ़ी काट देते हैं, किसी को दाढ़ी पकड़ के बोलते हैं जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। अरे जिसने बोलना होगा अपने आप ही बोल देगा। किसी की दाढ़ी पकड़ के तुम जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहे हो, क्या उनको हम आतंकवादी नहीं कहेंगे? संविधान जला रहे हैं राजधानी दिल्ली में, मारे मारे घूम रहे हैं, क्या हम उनको आतंकवादी नहीं कहेंगे? देश के संविधान के खिलाफ जो बात करेगा वो आतंकवादी ही कहलाएगा। अब बीजेपी के मंत्री भी आतंकवादी हैं, देश के संविधान के खिलाफ बात करते हैं। इधर से मोहन भागवत जी, अब सारे इनका एक चक्री भूचल पड़ा है, मैं बताऊं आपको बात, इनकी आदत है वोट तो इनको, मैं बताता हूं इनको, बिल्कुल भूल के भी कोई वोट ना दे। बात सिर्फ बहुजन समाज की नहीं, हर बिरादरी की है, इनको भूल करके भी कोई वोट नहीं देगा। और इनको सोते उठते बैठते कोसने का काम और करते हैं, तो इनके पास मैं कुछ नहीं बताया, मैंने पहले बताया आपको,
इनके पास में सिर्फ वो एक राम मंदिर राम मंदिर रामलला राम मंदिर और सारे न्यूज चैनल लगे पड़े हैं। सबके पास में मोटी रकम पहुंच जाती है, मोटा पैसा सबके पास में पहुंच जाता है। एंकर अपनी अलग से तैयारी करता है, अलग से मेकअप करते हैं, अलग से सारा काम करते हैं। एंकरों की अलग तैयारी होती है, अलग अलग टीम इनकी होती है, उनकी अलग तैयारी करनी है। फिर बताना है कि भाई हाँ मोदी जी अपनी माँ के पास में पहुंचे, अपनी माँ के पास बैठे हैं और उनको पूरा फोकस करना है। बड़े क्लोजिंग फोटो दिखाएंगे, जैसे यार माँ से तो हम भी अपने माँ के पास ही रहते हैं, हमेशा अपनी माँ के पास ही रहते हैं। भाई माँ के माँ हमारे दिल में, हम माँ के दिल में है। कभी ना मिल पाए तो कभी ये नहीं है कि हाँ इतने वर्षों के बाद माँ मिली है और चार फोटो खिंचवाएं। भाई हमें प्रधानमंत्री तो चाहिए था, लेकिन वो प्रधानमंत्री हमें चाहिए था जो इस देश को वास्तव में चाहिए ना वो दे सके। हमें फोटो शूट वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए था, गलत प्रधानमंत्री हमें मिल गया। सारा फोटो शूट का प्रधानमंत्री हमें मिला है। और अयोध्या में सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब बात करते हैं मुसलमान साथी तो बात करेंगे भाई बाबर पहले आया था तो बाबरी मस्जिद में, फिर ये रामलला की बात करते हैं भाई यहाँ पे रामलला की मूर्ति ऐसे है भाई, वहां तो तथागत गौतम बुद्ध की भी प्रतिमा निकली है। कोई बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। अब तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा निकली है, और फिर सबसे बड़ी बात, जब इनका इतिहास नहीं था, जब ये अपना इतिहास बताते हैं उससे पहले तो तथागत गौतम बुद्ध जी अपना करुणा का प्रेम का संदेश देकर के चले गए थे। इतिहास को उठा करके देखे, इतिहास पढ़े, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को समझे। मैं तो ये कहता हूं ये जरूरी नहीं कि मैं बोध विहार की मांग करूं, ये जरूरी नहीं, लेकिन जितने ये मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद मंदिर मस्जिद मस्जिद खेल रहे हैं ना, इनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि यहां पर या तो कोई स्कूल बना दे या कोई कॉलेज बना दे, सारा टंटा ही कट जाएगा बिल्कुल। पूजा करो अपने अपने धर्म की, सबसे बढ़िया है। और एक बात और है, बड़ी तार्किक बात है, बड़ी सोचने वाली बात है। अब मैं किसी देवी देवता का अपमान करने की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन जो खुद खुदा है, जो खुद परमात्मा है, जो खुद श्री राम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनके लिए आज हिंदू समाज संघर्ष कर रहा है, मुस्लिम समाज अपने लिए संघर्ष कर रहा है। फैसला कौन करेगा? दोनों लड़ रहे हैं आपस में, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सींग उलझ गए हैं। देखोगे जैसे जानवरों में सींग उलझ जाते हैं ना, जो दबंग लड़ते हैं, ऐसे बैल के सींग उलझ जाते हैं, ऐसे सींग उलझे हुए हैं, इनको कोई सुलझाने वाला नहीं। उसके बाद में ये परेशान दुखी, कभी बाबरी तोड़ दी, कभी ये हो गया, कभी दंगा हो गया, न जाने कितने लोगों को मरवा दिया। अभी वीडियोज भी आ रही है लगातार, साथियों ध्यान से सुनना मेरी बात को, वीडियोज भी आ रही है लगातार कि किसी के पैर टूट के कोई आधा अपंग हो गया, किसी की बीवी किसी को छोड़ के चली गई, उसका घर तक बिक चुका। ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं ऐसे समय में युवाओं को, उसके बाद में मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है, इनका आपस में फैसला नहीं हो रहा था आपस में। साथियों ध्यान से सुनना, आपस में ये लोग उलझे हुए बुरी तरीके से परेशान थे, इन्होंने बाबरी भी तोड़ दी, सारे काम कर दिए, उसके बाद में दुखी परेशान, मैं कहूंगा दुखी परेशान आत्मा भटकती भटकती राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का झगड़ा सुलझवाने के लिए हाथ जोड़ के खड़ी हो गई देश के संविधान के सामने सुप्रीम कोर्ट में। अब बता दो भाई, मैं तो तार्किक बात कर रहा हूं कि आप हमारा देश के संविधान जज साहब, आप हमारा फैसला करो तो देश में चलेगा संविधान, इसके अलावा देश में कुछ नहीं चलेगा, और मरते दम तक संविधान को आंच भी नहीं आने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़ जाए। तो साथियों इन्हीं लफ्जों के साथ आपके बीच में आए, आपने सुना, आपको तहे दिल से धन्यवाद, आयोजक कमेटी को धन्यवाद, सभी बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे बुजुर्ग भी और कुछ हमारे प्रेरणा स्रोत साथी जो मंच पर विराजमान है, मीडिया के साथी हैं, बहुजन मीडिया के साथी हैं, गायक कलाकार साथी हैं, इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और एक नारे के साथ आपसे विदा चाहूंगा कि पूरी कायनात में, कि पूरी कायनात में जय भीम बरसना चाहिए,
कि पूरे संसार में जय भीम बरसना चाहिए। हर भीम सैनिक के दिलों से देश के बच्चे बच्चे के दिल से जय भीम का तूफान उठना चाहिए। अरे मर गए भीम क्रांतिकारियों को मारने वाले।